सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी बेलवी। मैं प्रतीक शर्मा। भाई हमारा जो है इलेक्शन लॉ जो है वो स्टार्ट हो रखा था, तो आज का जो हम कंटिन्यू रखते हैं जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायल ऑफ इलेक्शन पटिशन। तो भाई किस तरीके से जो हमने इलेक्शन पटिशन पहले पढ़ लिया था, जिसने नहीं देखे वो पिछले जाके वीडियो देख सकता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्शन पटिशन का ट्रायल किस तरीके से होता है। तो चलो जी, प्रिंसिपल लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन शिवो, स्पेलिंग बता देता हूँ, SHIVO YOROEB पटिल पाटिल कवेकर KAWKAR वर्सेस में है VILASRAE विलासरे डी देशमुख, ठीक है, DESHMUKH देशमुख की तो स्पेलिंग आती होगी। द सक्सेस ऑफ कैंडिडेट हु हैज वॉन एट द इलेक्शन शुड नॉट बी लाइटली इंटरफेयर्ड विद, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए उसके अंदर, ठीक है जी। द पिटीशन सीकिंग सच इंटरफेरेंस मस्ट सेट स्ट्रिक्टली कन्फर्म टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लॉ। तो भैया किसी के यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर तुम उंगलबाजी कर दोगे, इतना आसान नहीं होगा, यही कहना चाह रहा है वो। स्ट्रिक्टली लॉ के देखते हुए सारी चीज़ें होंगी, अगर गलत है तो बिल्कुल ऑब्वियसली भाई उस सज़ा मिलेगी, नहीं गलत तो कुछ नहीं होगा। सेटिंग असाइड ऑफ इलेक्शन इन्वॉल्व सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, क्योंकि भैया अगर इलेक्शन सेट असाइड हो गया तो उसके काफ़ी खुद में ही जो है कॉन्सिक्वेंसेज काफ़ी सीरियस होते हैं। सो द एलिगेशंस रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ द करप्ट प्रैक्टिस शुड बी सफिशेंटली क्लियर एंड स्टेटेड प्रिसाइजली। तो भैया अगर तुम लोग कुछ कह रहे हो कि बंदे ने कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करी हैं या कुछ सेटिंग करी है मशीन के अंदर, तो अच्छे से प्रिसाइजली जो है वो बताओ, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट मैटर होता है। ये नहीं कि चलते फिरते कि हाँ भाई मेरी जेब से जिसने पैसे निकाल लिए, और इस तरीके का कोई केस नहीं है, पूरा देश की जो है यहाँ पर बात होती है। सो दी चार्जेस व्हेन पुट टू इशू शुड बी प्रूव्ड बाय क्लियर कॉग्नेंट एंड क्रेडिबल एविडेंस। तो बड़ा ही वही चीज़ हो गई, अच्छे से एविडेंस दो, अच्छे से भाई क्लियर रखो सारी चीज़ें, ये नहीं कि वेग नेचर की चीज़ें तुम लोग यहाँ पर रखो। अच्छा एक चीज़ मैंने याद आई, मैंने ना यार अभी पढ़ा, अभी थोड़े टाइम मतलब पहले फ़ोन में एक पॉपअप आया था, थोड़ा इससे अलग है, थोड़ा सा सुन लो, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी जैसे कोरोना चल रहा है, अब मुझे नहीं पता आप लोग ये वीडियो हो सकता है 10 साल बाद देख लो, तो आपके टाइम पर हो सकता है कोरोना ना हो, लेकिन फिर भी ये आपको उस टाइम पर भी यूज़ आ सकता है। उसमें ये था, जैसे हम बॉयज़ की या मेंस की जो ये दाढ़ी होती है, ठीक है, अगर ये थोड़ी लंबी रहेगी, मतलब ठीक है ये भी, पर अगर लंबी रहेगी तो क्या होता है, जब हम मास्क लगाते हैं ना, तो उसके अंदर जो है यहाँ से गैप बन जाता है, मतलब बालों के थ्रू जो है गैप बन जाता है, उसके अंदर से जो है कोरोना को तुम ले सकते हो, और अगर तुम छींक मार रहे हो तुम कोरोना पॉजिटिव, तो तुम्हारे यहाँ से वो निकल के दूसरे को भी फैल सकता है, तो दोनों ही केस के अंदर वो डेंजरस हो जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अभी तो जैसे कोरोना का टाइम चल ही रहा है, तो हो सकता है अभी वीडियो बाद में देख रहा हूँ तो आपके टाइम पर ना हो, आपको पता भी ना हो कोरोना क्या होता है, तो कोई नहीं। लेकिन अभी जो है मोस्ट प्रोबेबली आपको एक अगले कुछ वीडियोस में मेरी बिना दाढ़ी के मैं दिखूंगा, क्योंकि भाई मुझे जो है बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, काफ़ी जो है बुरी चीज़ हो चुकी है मेरे साथ कोरोना के पीरियड के अंदर। नहीं पता, मेरे चैनल पर वीडियो है माई कोरोना एक्सपीरियंस करके देख सकता है वो, जिसको भी पर्सन को वो चीज़ जाननी है, ठीक है। तो क्रेडिबल एविडेंस होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए जो अभी तुमने बोला है। देयर वुड बी अ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अवेलेबल टू द पर्सन चार्ज। तो वही चीज़ हो गई, ये तो कॉमन ही है कि भैया इनोसेंस जब तक रहेगी, जब तक तुम मतलब जिसने कंप्लेंट करी उसे प्रूफ करना होता है कि हाँ भाई ये बंदा जो है इनोसेंट नहीं है, नहीं तो कोर्ट जो उसे इनोसेंट मानती है उसे कुछ प्रूव नहीं करना अपनी इनोसेंसी का। सो द चार्ज शैल हैव टू बी प्रूव्ड टू हिट द स्टैंडर्ड ऑफ द प्रूफ बींग द सेम एज इन द क्रिमिनल ट्रायल। तो वही चीज़ हो गई, क्रिमिनल ट्रायल में भी यही सेम चीज़ होती है। अब इसके अंदर आती है रिक्रिमिनेटरी पटिशन। रिक्रिमिनेटरी पटिशन क्या होता है, ये स्पेलिंग बताया तो RECRIMINATORY। रिक्रिमिनेटरी पटिशन होता क्या, सेक्शन 97 के अकॉर्डिंग कह रहा है, व्हेन इन एन इलेक्शन पटिशन अ डिक्लेरेशन दैट एनी कैंडिडेट अदर देन द रिटर्न कैंडिडेट हैज बीन ड्यूली इलेक्टेड इज क्लेम्ड, द रिटर्न कैंडिडेट और एनी अदर पार्टी मे, कोई और पार्टी मतलब, मे गिव एविडेंस टू प्रूव दैट द इलेक्शन ऑफ सच कैंडिडेट वुड हैव बीन वॉइड इफ he had been the returned candidate and the petition has been presented calling in question of his election, provided that the returned candidate or such other party of aforesaid shall not be entitled to give such evidence unless he has within 14 days 14 din ke andar jo hai yahan par from the date of the commencement of the trial, jab se trial start ho uske andar 14 din ke andar matlab trial start hone ke baad, given the notice to the high court of his intention to do so। to ye cheez hoti hai ji reclamatory petition, theek hai। पर्पज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिक्रिमिनेशन, क्या इसका चीज़ क्या, पर्पज क्या हुआ, क्या काम है इसका। द रिक्रिमिनेशन पटिशन प्रोवाइड्स दैट द कंपोजिट रिलीफ मे बी सॉट इन एन इलेक्शन पटिशन टू द इफेक्ट दैट इन एडिशन टू द इलेक्शन टू द रिटर्न कैंडिडेट बीन डिक्लेयर वॉइड, सम अदर कैंडिडेट एट द इलेक्शन मे बी डिक्लेयर इलेक्टेड इन द प्लेस ऑफ दैट रिटर्न कैंडिडेट। तो वही चीज़ों को भैया मैंने कहा ना, ये जो है सारी चीज़ें पूरे देश की बात होती है इसमें, ये नहीं कि भैया चोरी करके ले गए जैसे मैंने अभी पहले कहा वीडियो में।
वही चीज़ हो गई, अगर यहाँ पर इलेक्शन को इतने लंबे समय तक होल्ड कर देंगे हम, तो भैया देश को कौन संभालेगा फिर? तो वही चीज़ हो गई, रिकमेंडेटरी पिटीशन में वही चीज़ हो गई कि वो हटेगा, वो मतलब उसका तो चल ही रहा है केस, तो उसके बिहाफ पर दूसरे बंदे को टेम्प्रेरी पर्पज़ के लिए जो है इलेक्ट कर दिया जाए, और अगर वो नहीं हुआ, उसके कांड कराई है उसने सही में, जी ये जो इलेक्टेड पर्सन है यही चलाया भैया काम, तो ये चीज़ हो गई, बड़ा आसान हो गया रिकमेंडेटरी पिटीशन। हु कैन रिक्रिमिनेट, कौन कर सकते हैं रेकमेंडेट? एन इलेक्टर हैज़ नॉट बीन गिवन एनी राइट टू रेकमेंडेट, ठीक है जी। द रिटर्न कैंडिडेट कैन नॉट फाइल अ रेक्रिमिनेशन पिटीशन व्हेन द इलेक्शन पिटीशन हैज़ बीन फाइल्ड इज फाइल्ड बाय द वोटर, अगर वोटर के थ्रू हुआ है तो रिटर्न कैंडिडेट नहीं कर सकता, ठीक है जी। विड्रॉल ऑफ इलेक्शन पिटीशन, क्या इलेक्शन पिटीशन को हम विड्रॉ कर सकते हैं? अगर हमने कहा यार गलत कर दिया इसके साथ, या फिर हो सकता है उसने पैसे खिला दिए कि अपनी तो कंप्लेंट वापस ही ले ले, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो वो तो मेरे पर्सनल ओपिनियन है, बाकी तो उसे लगा कि नहीं यार गलत कर दिया इसके साथ, गलत ना हो जाए कुछ, या ये तो बहुत ही सीधा आदमी, मैंने गलती से किसी के इन्फ्लुएंस में आके इसके ऊपर केस डाल दिया, तो क्या इलेक्शन पिटीशन जो है उसको वापसी करा जा सकता है? तो सेक्शन 109 का वन कह रहा है आरपी एक्ट 1951 का, द इलेक्शन पिटीशन मे बी विड्रॉड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, बड़ा आसान हो गया, जब ट्रायल का कंक्लूजन ना आ जाए, जब ट्रायल चल रहा है उसके दौरान जो है तुम कर सकते हो, मतलब कंक्लूजन अगर आ गया कि हाँ भाई इसने करा है इसने नहीं करा कांड, वो तब नहीं कर सकते विड्रॉ। बट सच विड्रॉ कैन बी मेड ओनली बाय द लीव ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है जी। इफ एन इलेक्शन पिटीशन हैज बीन फाइल्ड बाय मोर देन वन पिटीशन पिटीशनर, एन एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल कैन बी मेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल पिटीशन, तो अगर विड्रॉ करना है तो सबकी कंसेंट जो है होनी चाहिए, अभी जो विड्रॉ हो सकता है। ऑन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल द हाई कोर्ट हैज़ टू फिक्स अ डेट फॉर द हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन, गिव नोटिस ऑफ सच हियरिंग टू ऑल द अदर पार्टीज टू द पिटीशन एंड ऑल्सो कॉज इट टू द पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट, तो वही चीज़ हो गई, अगर कंसेंट के थ्रू हमने कर भी लिया है, हो सकता है ना कंसेंट लियो, फुद्दू काट रहा हो कोर्ट का, तो उस केस में हाई कोर्ट जो है वो सबको जो है नोटिस भेज देगी, जितने भी थे बंदे अदर पार्टीज सबको जो है भेज देगी भैया ऐसे ऐसे हो गया ये, और ऑफिशियल गैजेट में भी पब्लिश कर देगी, ताकि कोई स्कोप ना रह जाए कि ओ हमने तो कहा ही नहीं था, हमने तो ये बोला ही नहीं था, ऐसे ना बोले लोग। अपॉन सच पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस एनी पर्सन हु कुड हैव इनिशियली फाइल्ड एन इलेक्शन पिटीशन रिलेटिंग टू दैट इलेक्शन, दैट इज टू से एनी इलेक्टर और अ कैंडिडेट एट द इलेक्शन मे अप्लाई टू द हाई कोर्ट फॉर बींग सब्सटीट्यूटेड एज अ पिटीशनर इन द प्लेस ऑफ द पिटीशनर ऑफ पिटीशनर्स विड्रॉइंग, वही जो है सब्सटीट्यूशन का भी है जो यहाँ पर केस हो सकता है। सच एप्लीकेशन फॉर सब्सटीट्यूटिंग मस्ट बी फाइल्ड विद इन 14 डेज ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द अबव नोटिस, तो वही जो ऑफिशियल गैजेट के अंदर जो चीज़ें आ गई उसके अंदर 14 दिन के अंदर जो है उसके बाद करना। क्या हम अबेटमेंट ऑफ पिटीशन कर सकते हैं? अबेटमेंट देख लेते हैं। इफ एन इलेक्शन पिटीशन हैज बीन फाइल्ड बाय ओनली वन पिटीशनर, द पिटीशन शैल अबेट ऑन द डेथ ऑफ द सोल पिटीशनर, ठीक है जी। अबेट का क्या मतलब होता है बताओ, भूल गए, स्टॉप, रोकना। तो अगर सोल पिटीशनर ही मर गया तो बंद हो जाएगी पिटीशन, खत्म। इट शैल ऑल्सो अबेट वेयर इट हैज़ बीन फाइल्ड बाय मोर देन वन पिटीशनर एंड द सोल सर्वाइवर ऑफ दोज पिटीशनर ऑल्सो डाइज, तो जो सोल मेन पर्सन जो पिटीशनर से है वो मर गया तो भी पिटीशन खत्म। द फैक्ट ऑफ द डेथ ऑफ सोल पिटीशनर शैल बी पब्लिश इन सच मैनर एज हाई कोर्ट मे डीम फिट, तो सबको पब्लिश कर दिया जाएगा कि भाई ये बंदा मर चुका है, इसने फलाना फलाना बंदे के इसमें पिटीशन डाली थी, तो ये नहीं हो पाएगी अब ये चीज़। अपॉन सच पब्लिकेशन अनदर पर्सन मे अप्लाई फॉर द सब्सटीट्यूशन एज पिटीशन इन द सेम मैनर एंड ड्यूरिंग द सेम पीरियड विच इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द सब्सटीट्यूशन ऑफ द पिटीशन इन द केस ऑफ विड्रॉल ऑफ पिटीशन एज एक्सप्लेन्ड अबव, तो वही चीज़ होगी। अगर जैसे पब्लिकेशन कर दिया हाई कोर्ट ने जी किसी भी तरीके से न्यूज़ में कर दें, या वो हाई कोर्ट अपने हिसाब से देखेगी कि कंसर्न स्टेट की कि भाई किस तरीके से जो है पब्लिश करना है, तो उसके अंदर जो है सब्सटीट्यूशन भी हो सकता है, मतलब अगर उसे देखा अरे यार ये तो बड़े इंपॉर्टेंट पिटीशन थी, ये तो यार बड़ा हरामी बंदा है, तो बड़ा बेकार बंदा है, ये तो अगर जीत गया तो डुबो देगा हमारे इसको, तो एक काम करता है अरे मर गया चल कोई नहीं मैं इसके बिहाफ पर जो है संभालता हूँ इस पिटीशन को, तो सब्सटीट्यूशन तो वो चीज़ भी पॉसिबल है, लेकिन आफ्टर द पब्लिकेशन। राइट टू अप्लाई टू द सब्सटीट्यूट एज पिटीशन accused on fulfillment of two conditions, अगर तुम्हें substitution बनना है मतलब वो जो बंदा मर चुका है उसके बिहाफ पे तुम्हें ये petition को continue करना है, तो तुम्हें दो conditions को जो है वो करना पड़ेगा fulfill। क्या है वो दो condition? That the person applying for the substitution is one who might have himself been a petitioner in the first instance, वो बंदा वो भी हो सकता है जो पहले instance में खुद ही petitioner रह चुका, या that the application is made within 14 days of the publication of the notice by the High Court under section 110 का 3 का B of RP Act 1951 or as the case may be under 112
का दो ऑफ आरपी एक्ट 1951। तो ये सेक्शंस को जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, नहीं याद एक बार नेट पे जाकर देख सकते हो आप। इफ बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल ऑफ एन इलेक्शन पटिशन, अरे यार एक तो ये गर्मी में ना जो पंखा चलता है ना उससे पेज एक बंदे ने जो है कमेंट में लिखा था कि भैया वो वेट्स यूज कर लो, पेपर वेट्स, वो यार उनको ना संभालना बड़ा मुश्किल है, भारी होते हैं, टूट टाट जाए, कांच के पड़े हैं उसके नहीं है, दूसरे मटेरियल के नहीं है मेरे पास। चलो, इफ बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल इफ एन इलेक्शन पिटीशन द सोल रिस्पॉन्डेंट डाइज और गिव्स नोटिस टू द हाई कोर्ट दैट ही डज नॉट इंटेंड टू अपोज द पिटीशन द हाई कोर्ट शैल कॉज अ नोटिस ऑफ सच इवेंट टू बी पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट। तो ये भी जो ऑफिशियल गैजेट के अंदर हम लोग कर सकते हैं। 10 मिनट की वीडियो बनी है, कंटिन्यू रखते हैं टॉपिक को। आज कंटिन्यू जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्शन अपील। तो भैया पिटीशन तो डाल दी, उसमें अगर नहीं मजा आया तो अपील पर जा सकते हो। अपील क्या है? इलेक्शन अपील, एवरी ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट डिस्पोजिंग ऑफ एन इलेक्शन पटिशन अंडर सेक्शन 98 एंड 99 जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं इज अपीलेबल बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो बड़ा आसान हो गया, नाम से समझ आ रहा है, अगर हाई कोर्ट में पटिशन डल रही है तो उसकी अपील कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर वो पटिशन हाई कोर्ट ने डिस्पोज कर दी है कि नहीं भैया इसमें हमें कुछ नहीं गड़बड़ लग रही, बढ़िया बंदा है ये, या हो सकता है पैसे खा लिए, कुछ भी हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो तुम अपील कर सकते हो। सच अपील लाइज बोथ ऑन द क्वेश्चंस ऑफ लॉ एंड फैक्ट। तो सही में इनोसेंट हो, क्या पता वो बंदा परेशान करना चाह रहा हो उसको जो इलेक्शन में खड़ा, ठीक है जी, कई रीज़न हो सकते हैं जिस वजह से हाई कोर्ट को लगे कि भैया नहीं ये ठीक है, लेकिन पीछे से कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में तुम लोग सुप्रीम कोर्ट जो है जा सकते हो अपील के लिए। नो अपील टू डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुम्हें अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही करने की पावर मिलती है, डिवीजन में, यानी कि सिंगल धार दो जज बैठा के कर देते वो चीज़ नहीं चलेगी। तो नॉर्मली एन ऑर्डर ऑफ सिंगल जज ऑफ हाई कोर्ट इज अपीलेबल बिफोर द डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट अंडर क्लॉज 15 ऑफ लेटर्स ऑफ पेटेंट ऑफ द हाई कोर्ट। बट इन उपाध्याय हरगोविंद देवशंकरन वर्सेज धीरेन्द्र सिंह जी सोलंकी, एक नाम है ये, चलो, दैट डो अपील लाइज इन द डिवीजन बेंच अगेंस्ट द ऑर्डर वेदर इंटरिम और फाइनल और अ सिंगल जज ट्राइंग एन इलेक्शन पिटीशन एज द डिवीजन बेंच हैज नॉट बीन प्रिस्क्राइब्ड एज द अपीलेट अथॉरिटी इन एन इलेक्शन पिटीशन अंडर अंडर 1951। तो वही चीज़ हो गई कि डिवीजन बेंच के अंदर जो है तुम्हारी अपील नहीं जा सकती, तुमको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही जाना पड़ेगा। बात खत्म। 12-13 की हो गई, मतलब ना इलेक्शन अपील मैटर ऑफ राइट, ये देख लेते हैं। तो अपील जो है, जो तुम्हारे जो तुम इलेक्शन अपील जो है वो तुम्हारा एक राइट है। सो एन इलेक्शन अपील सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द फाइनल ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 98-99 कैन बी फाइल्ड एज अ मैटर ऑफ राइट, ठीक है जी। सो नो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट इज रिक्वायर्ड अंडर आर्टिकल 134 का ए, नॉर इज एनी स्पेशल लीव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नेसेसरी अंडर आर्टिकल 136। तो वही चीज जो पहले वाले की फिटनेस दो या लीव ले लो सुप्रीम कोर्ट से, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा राइट है, इसलिए तुम सीधा ही जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ठक ठक करके घुस सकते हो। फॉर द फाइलिंग एंड अपील अगेंस्ट द फाइनल ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट इन एन इलेक्शन पिटीशन, लिमिट फॉर इलेक्शन अपील है क्या है वर्ड, हाँ, लिमिट फॉर इलेक्शन अपील, कोई लिमिट है इलेक्शन अपील की? बिल्कुल है जी। सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 116 का ए का दो ऑफ द आरपी एक्ट 1951 एवरी अपील टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम फाइनल ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट शैल बी प्रेफर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 दिन का जो है समय यहाँ पर दिया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया उसके बाद एक महीने के अंदर जो है तुम लोग अपील में जा सकते हो, ये निकलेगा टाइम, तो नो अपील। बट सुप्रीम कोर्ट इन इट्स डिस्क्रिशन एंटरटेन एन अपील आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डे पीरियड, जनरली 30 दिन के बाद कोई अपील नहीं एंटरटेन होगी, लेकिन अगर ऑब्वियसली यार एक्सेप्शंस तो हर जगह पर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर आप बड़ा इंपॉर्टेंट, ये तो गड़बड़ हो जाएगी अगर ये तो बहुत ही डुबो देगा ये तो बंदा अगर ये जीत गया, तो अगर कुछ इस तरीके का लगे और कुछ ठोस लगे सुप्रीम कोर्ट को कि हाँ यार कुछ बंदे की बात में जान तो है जो हाई कोर्ट ने गलत ऑर्डर दे दिए हैं, तो उस केस में वो ले सकता है 30 दिन के बाद, लेकिन इट्स टोटली डिस्क्रिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जनरली नहीं होगा। न्यू ग्राउंड इन अपील, कोई नया ग्राउंड अगर हम डालना चाहें अपील के अंदर कि भाई हाई कोर्ट में तो ये ग्राउंड पे था कि इसने मशीन छेड़ी है, लेकिन उसके बाद कुछ और ही निकल जाए तो बहुत ही करप्ट है, इसने रात में ये करा है वो करा है, बहुत ही बेकार आदमी, ये कुछ भी तुम चीज़ें डालना चाहो अपील के अंदर डाल सकते हो। नो न्यू ग्राउंड आर अलाउड टू बी टेकन विच वर नॉट रेज्ड और आर्ग्यूड बिफोर द लोअर कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहुंच गए, हाई कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पर। तो सुप्रीम कोर्ट में तुम कोई नया ग्राउंड नहीं डाल सकते, जिस ग्राउंड पर लड़ाई चल रही थी हाई कोर्ट में उसी ग्राउंड को ही कंटिन्यू करा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अपील में। प्रोसीजर इन अपील, अपील का क्या प्रोसीजर है? Every election appeal shall be heard
एंड डिटरमाइंड बाई द सुप्रीम कोर्ट एज नियरली एज मे बी अकॉर्डिंग विद द सेम प्रोसीजर एज इज एप्लीकेबल इन रिलेशन टू द टू एन अपील फ्रॉम एनी फाइनल ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट पास्ड बाय इट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल सिविल ज्यूरिडिक्शन. तो वही चीज़ हो गई, हर अपील जो है सुप्रीम कोर्ट ही हर्ड करेगी, वही सेम चीज़ बोल रहा है पीछे वाली. ऑल द प्रोविजन ऑफ द सी पी सी एंड दिस एस सी रूल्स ऑल्सो अप्लाई इन रिलेशन टू सच अपील. वही चीज़ हो गई, सीपीसी वगैरह के सारे जो है रूल्स को अप्लाई करेंगे, तो प्रोसीजर यही है इसका और कुछ नहीं है. विदड्रॉ ऑफ इलेक्शन अपील, क्या हम इलेक्शन अपील को, पटिशन को तो हम कर सकते हैं कि भैया कंक्लूजन से पहले, याद है ना अभी पढ़ा था, पटिशन को जो है हम कंक्लूजन आने से पहले जो है विदड्रॉ कर सकते हैं, कि अपील कर सकते हैं विदड्रॉ. एन अपीलेंट हैज़ द राइट टू विदड्रॉ हिज अपील अनकंडीशनली एंड द कोर्ट मस्ट ग्रांट इट इफ मेक्स एन एप्लीकेशन टू दैट इफेक्ट. तो इसमें कोई ऐसा नहीं, और वो एप्लीकेशन दे देता है सुप्रीम कोर्ट में कि भैया मुझे अपनी अपील विड्रॉ करनी है, मुझे ये बंदा सही लग रहा है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मैंने गलती से अपील कर दी है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो वापसी ले लो और घर में जाकर आराम से मैंगो शेक पियो. ठीक है जी, चलो यही था इस वीडियो के अंदर, आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगली कुछ आगे वीडियोज़ में. तो ये इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ, काफ़ी अच्छी खासी लंबी मोटी वीडियो बन चुकी है. तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक रीज़न दे दीजिएगा क्योंकि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में जो है डाल सकूँ. बाकी भैया कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी या डाउट है बेधड़क वहाँ पर कमेंट करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जो है रिप्लाई करने की. और डिस्क्रिप्शन खोल के जो देख लिया करो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट होता है उसको क्लिक कर दिया करो, ताकि वहाँ पर आपको मेरे सारे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट लिंक मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आप आके मेरे को टाइपिंग के थ्रू जो है मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हो कॉल के थ्रू, तो कॉल बिफोर ऐप का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड करो, वहाँ पर BBLLB यहाँ सर्च करो या फिर प्रतीक शर्मा सर्च करो, मैं आ जाऊँगा और सीधा जो है मेरे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो. प्रतीक की स्पेलिंग PRATEE है, IK नहीं है. चलो जी, सब्सक्राइब अगर आपने करा हुआ है तो बहुत ही बढ़िया, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है तुम लोग कर रहे हो मिस. सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होगा, वो बाय डिफॉल्ट पर्सनलाइज्ड पे होता है, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं वैसे ही. चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू BBLLB प्रतीक शर्मा सैनिक, बाय बाय, एमिनम मोड, टेक केयर एंड यार कोरोना से बच के, हो सकता है अभी 10 साल बाद वीडियो देख रहे हो या 20 साल बाद देख रहे हो और आप कहो यार कोरोना क्या चीज़ है, सर्च करो गूगल पर. Thank you.